हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आई होप तो गाइस आप सब बढ़िया होगे। तो आज मैं बात करूंगा एक न्यू के ड्रामा के बारे में जिसका नाम है किंग ऑफ डिवोर्स, जिसमें आपको देखने को मिलता है किम सारे की स्टोरी, जो कि बड़े घर की शादी की हुई लड़की रहती है, जहाँ पे वो एक लॉयर रहती है जो बड़े घर में रहती है और वो लॉयर रहती है। लेकिन आपको दो साल पहले आपको दिखाया जाता है कि ये मतलब कि बहुत फाइटर दिख रही थी। स्टार्टिंग में आपको एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ये बहुत बड़ी फाइटर है और एक लड़की को रेस्क्यू करने जा रही है और ये पुलिस ऑफिसर जैसी दिखाई देती है। फिर दो साल बाद यही दिखाया जाए कि दो साल बाद एक कैसी थी, दो साल बाद एक मतलब कि एक किसी घर की बहू थी और ये मतलब कि एक लॉयर भी थी। लेकिन इसका जो हस्बैंड था ना गाइस, ये चीटर था और इसको चीट करते रहता है इसके पीठ पीछे, लेकिन इसको मालूम नहीं रहता है। और उस फिर इसके कोई केस हाथ में ले लेती है, केस लड़ती है और इसके इस केस के चक्कर में वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और जेल में चली जाती है। और उसके चक्कर में लगता है इसके हस्बैंड का हाथ रहता है, आने वाले सुनो आपको ये भी मालूम पड़ सकता है। और उसका हस्बैंड और उसके घर वाले जो उसकी सास रहती है उसको छुड़ाने के लिए कोई जाता ही नहीं है और वो जेल में रह जाती है। और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कि बहुत चीटर महसूस करती है और बहुत वो अपने आप को गुस्सा भी करती है कि उससे क्या हुआ और इससे क्यों शादी की। इसमें आपको देखिए मिलता है डोंकी जोन की स्टोरी। डोंकी जोन की पहले का इसमें स्टोरी दिखाता है। डोंकी जोन आपने पहले आपके पिछले ड्रामे में आपको देखा होगा कि ये पहले सपोर्टिंग रोल में दिखा करते थे, लेकिन इस सीरीज में आपको गाइस मेन लीड रोल करते हुए आपको दिखेंगे और अच्छा खासा लीड रोल कर भी रहे हैं। जो रियल नेम है कांकी जोन और किम सारे के बीच में अच्छा खासा आपको रिलेशन भी देखने को मिलेगा। और डोंकी जोन और किम सारे के बीच में मिलेंगे तो क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, किम सारा को क्या वो डोंकी जोन संभाल पाएगा, ये आपको स्टोरी में देखने को मिलता है। और क्यों मतलब दो साल बाद क्यों ऐसे हो जाती है और क्या ऐसे इसके साथ घटा था कि ये मतलब कि पुलिस ऑफिसर बन जाती है और किसी को बचाने के लिए जाती है। और आपको इसी सब देखने जानने के लिए आपको स्टोरी देखनी पड़ती है क्वीन ऑफ डिवोर्स, जिसमें आपको देखने को मिलता है टोटल 12 एपिसोड। अभी आपको गाइस एक एपिसोड देखने को मिलेगा, ये आपको विकी टीवी के प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है इंग्लिश सब टाइटल के बीच में। ये गाइस अभी भी ये हिंदी डबिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे इन्फॉर्मेशन आगे मैं आपको इसका पूरा बाय डिटेल इसका मैं आपको रिव्यू दे दूंगा। तो हो भी गाइस आपको हमारे रिव्यू अच्छा लगता है, रिव्यू अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को करिए। इस तरह मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।